नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं तन्वी सक्सेना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, आजकल धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात में हैं। वे अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र पर एक बार फिर से अपना बयान दिया है। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिन तक गुजरात के अलग अलग शहरों में अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सूरत से की है, जहां दरबार का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन सूरत में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर बड़ा बयान दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा, जिस दिन गुजरात में भारत में हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर सड़क पर निकलने लगेंगे, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत को ही नहीं, पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कश्मीर को राम और हिंदुस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान से पीओके संभाला नहीं जा रहा। बाबा बागेश्वर ने कहा, हमारी एक प्रार्थना है कि लोग हमें किसी पार्टी से ना जोड़े, हमारे पास आना हो तो हनुमान की कृपा से आए, ना कि किसी सपोर्ट की उम्मीद से। उन्होंने कहा, मुझसे किसी वीआईपी ट्रीटमेंट की भी इच्छा ना रखें, क्योंकि हम धनवान के नहीं हनुमान के पुजारी हैं। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें हिंदुओं को जगाना है। हमें पेपर पर हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत में रहने वाले हिंदुओं के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने वाई कैटेगरी सिक्योरिटी पर भी अपना रिएक्शन दिया, जो केंद्र सरकार की ओर से उन्हें दी गई। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में जंगलों में कथा कर रहा हूं, इसलिए साजिशें हो रही हैं। अब आपको बताते हैं कि कब कब है धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के गुजरात के 4 शहरों में 7 जून तक कार्यक्रम होने हैं। सूरत के बाद वो अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में भी दिव्य दरबार लगाएंगे। अहमदाबाद में 29 और 30 मई को दरबार लगेगा, 1 और 2 जून को राजकोट में और 3 से 7 जून तक वडोदरा में रहेंगे। बागेश्वर बाबा ने यह भी कहा कि अब समय भागने का नहीं, अब तो सनातन हिंदुत्व के लिए और भगवान कृष्ण के लिए जागने का समय है। बागेश्वर बाबा ने इस दौरान सनातनियों से एक हो जाने का आग्रह भी किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अरे तुम सनातनी तो हो ही, अगर कोई नाम के आगे अगर पूछे तो अब जात पात का नाता तोड़ो, हम सब हिंदू हैं, ऐसा मुख से बोलो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।